तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइट टू ट्रिप पे। ये वीडियो दोस्तों आज कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज मैं हूँ वेस्ट बंगाल में और मैं अपना बीएड का सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। जो कोर्स हमने किया था वेस्ट बंगाल टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी से, पर उसका अभी नाम चेंज करके हो गया है बाबा साहेब अम्बेडकर एडुकेशनल यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारा स्टूडेंट त्रिपुरा का हो, असम का हो और वेस्ट बंगाल का तो है ही, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, हर जगह का स्टूडेंट्स लोग कर रहे हैं यहाँ से बीएड का कोर्स। पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि जैसे हम लोगों का यूनिवर्सिटी से नहीं लेना पड़ता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, हमारा कॉलेज से दे देता है, हमारे असम में ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी का। पर यहाँ पर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो या फिर मेन सर्टिफिकेट, दोनों के लिए हमको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है जो कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में है और ये जगह का नाम है पालूगंज, बालीगंज, जिसका जगह का नाम है बालीगंज, जहाँ पर आज बहुत ढूंढ ढूंढ के हम लोग आए हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे हो। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यूनिवर्सिटी का मेन गेट, ये हो गया एक गेट और सामने ये और एक गेट है। तो ये हो गया हमारा मेन गेट, अभी हम हैं इसके सामने। तो चलिए चलते हैं और जाके देखते हैं क्या क्या लगेगा सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोलूँगा। और अगर कोई आप लोग बाहर से या वेस्ट बंगाल से कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा सर्टिफिकेट लेने के लिए, कॉलेज से सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा क्या कि नहीं आप लोग बताइएगा। तो चलिए चलते हैं और जाके अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए चलिए चलते हैं। तो मैंने तो अपना सर्टिफिकेट जो 4 सेमेस्टर का सर्टिफिकेट लाया मैं लेके आया हूँ, इसके साथ हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चाहिए होता है और एडमिट कार्ड ऑप्शनल है, फिर भी देखते हैं अगर चाहिए होगा मैं आप लोगों को वीडियो में बोल दूंगा। अभी चलते हैं ऑफिस में और जाके बात करके आते हैं। तो ये जो गेट है यहाँ से तो हमारा मतलब कॉलेज का गेट है, पर हमारा ऑफिशियल जो वर्क होता है वो पीछे का और एक गेट है, उधर से जाने से सामने पड़ता है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे गेट में जो थे उन्होंने बोला कि पीछे से चले जाओ और जाके गेट उधर से पीछे का गेट से एंट्री करो। तो चलते हैं जाके देखते हैं। तो वैसे अगर आप लोग आ रहे हो यूनिवर्सिटी में तो आके सीधा सियालदह से बालीगंज का लोकल ट्रेन पकड़ लो जो साउथ कोलकाता में पड़ता है। अंदर आ चुके हैं हम, ये है यूनिवर्सिटी का गेट, दूसरा गेट, इसके अंदर अभी चलेंगे हम। तो गाइस हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है पर अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा वीडियो करना अलाउड नहीं है, इनलीगल है, तो इसलिए हर जगह मैं वीडियो कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बोल देता हूँ क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पर आके फोर्थ फ्लोर में 403 रूम है, फोर्थ फ्लोर में आके आप लोगों को वहाँ से एक फॉर्म लेना पड़ेगा, जिस फॉर्म को फिलअप करके उसके साथ रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, एडमिट कार्ड चाहिए होता है 4 सेमेस्टर का, मार्कशीट चाहिए होता है 4 सेमेस्टर का, इन तीनों को आप जेरोक्स करो या फिर प्रिंट आउट करो। करने के बाद फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। दो तरीका है, एक है अर्जेंट और एक है नॉर्मल तरीका। अगर नॉर्मल तरीके से आप अप्लाई करते हो तो आप लोगों को 500 रुपीज़ चाहिए होता है, अगर अर्जेंट तरीके से करते हो आप लोगों को 700 रुपीज़ चाहिए होगा अप्लाई करने के टाइम। और अर्जेंट अगर करोगे तो आपको 7 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, अगर आप नॉर्मल करोगे तो आप लोगों को 1 महीना लगेगा, 1 मंथ टाइम लेता है। और वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको लिख के देगा, जो रिसिप्ट देगा उसमें लिख के देगा कि कितना तारीख को आप लोगों को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। जो जितना तारीख को मिलेगा आप लोगों को उसी डेट को आना है और आके लेके जाना। अगर आप लोग कोई नहीं आ पा रहे हो अप्लाई के टाइम पे, आप लोगों को खुद आना पड़ेगा। अगर अप्लाई के बाद आप नहीं आ पा रहे हो लेने के टाइम, तो आप दूसरों को दे सकते हो और दूसरों को देने के लिए और एक ऑथराइज्ड एक फॉर्म है उसको फिलअप करके उसके साथ देना पड़ेगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में देना पड़ेगा और आपका आईडी प्रूफ भी देना पड़ेगा। जो लेके अगर वो बंदा आएगा तो आपका सर्टिफिकेट लेके जा सकता है। तो आप लोग यह ध्यान में रखिए, अप्लाई करने के टाइम आपको खुद आना पड़ेगा, लेके जाने के टाइम आप अपने दोस्तों के साथ भी दे सकते हो अपना डॉक्यूमेंट, वो लेके जा सकता है आपका सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो अगर सर्टिफिकेट लेना है तो ये प्रोसेस है और आप लोग कर सकते हो। और अगर इससे भी जल्दी आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को अलग से एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कंट्रोलर को, तो उसमें आप लोगों को 3-4 दिन के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके लिए बहुत झमेला है। तो अगर आप लोग करना है वो भी कर सकते हो, उसके लिए झमेला होता है, नोटिफिकेशन चाहिए होगा। अगर आप लोगों के स्टेट में टेट का अप्लाई आ चुका है तो उसका कॉपी चाहिए होगा, इसके साथ एप्लीकेशन चाहिए होगा, तो बहुत झमेला है। तो ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं लोग, पर नॉर्मल तरीके से यही है, दो तरीका, एक है अर्जेंट एक है नॉर्मल। तो ये देख सकते हो आप,
यूनिवर्सिटी का जो फ्लोर है जहाँ से हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और सर्टिफिकेट लेने का जगह यहाँ पर है सामने, यहाँ पर ये जो सामने एक मेरा दोस्त जाकिर खड़ा है वहाँ पर है सर्टिफिकेट का अप्लाई करने का काउंटर बोल सकते हो, यहाँ पर कैश काउंटर लिखा है। दोस्तों बहुत सारा लोग बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल से बीएड करना बहुत आसान है, भाई कोई आसान वसान नहीं है, बहुत झमेला है। अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके लेना, क्योंकि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कॉलेज इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि उससे तो आसाम में करना ही बेहतर है। जैसे हमने किया था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, हमको तो सब कुछ पूरा एक एक चीज़ करना पड़ा था। वैसा भी कॉलेज है जहाँ पर कम करना पड़ता है, तो आप लोग इन्वेस्टिगेट करो इसके बाद एडमिशन लो। तो मेरे हिसाब से अगर आप आसाम से करते हो तो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, वेस्ट बंगाल से करने से थोड़ा कम लगता है। वही बात है, डिफरेंस यही है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। स्ट्रिक्टनेस मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए आप लोग इन्वेस्टिगेट, मेरे हिसाब से तो आप असम में भी करने से अच्छा है, क्योंकि घर के पास है आप लोगों का, बीएड कॉलेज कभी भी जा सकते हो। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आना और जाना एक झमेला है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और भी बहुत सारा लोग बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल में करने से सर्टिफिकेट में मार्क्स ज़्यादा मिलता है। तो भाई मार्क्स ज़्यादा मिलने का एक चीज़ है कि वेस्ट बंगाल में बीएड का मार्क्स मैटर नहीं करता, इसलिए वो लोग अच्छा ही मार्क देते हैं, मतलब मिनिमम 70-75-80% मार्क दे देते हैं। जैसे असम में 80% बहुत कम लोगों को मिलता है, 70-75 मिल जाता है। तो बात ये है कि मार्क्स का बात नहीं है, बात ये है कि वो मतलब जो हम लोग कर किए ना, हम लोग 2 साल बहुत परेशानी झेलना पड़े हम लोगों को, इसके ऊपर से बाहर स्टेट से आने के बाद बहुत झमेला भी देते हैं, क्योंकि उनको वो लोग अपने खुद के कॉलेज के स्टूडेंट को बहुत मतलब लोकल के स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम लोगों को कम प्रायोरिटी दिया करता है देते हैं। तो ये भी देखना आप लोग, और मेरे हिसाब से तो दोनों ही सेम ही है, पर आराम आसाम से करने में। तो आप लोग देखिए, तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, और आप लोग अगर अभी तक ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।